हेलो एवरीवन, मैं रचना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल रचना पलक ब्लॉग्स में। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एंड गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं उठी हूँ अभी सो के उठी हूँ, चाय बस पी हुई है और इसके बाद मैं छत पे आई हूँ क्योंकि अभी पूरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी कुछ नहीं करा है। सभी लोग अभी उठे हैं सो के, क्योंकि रात में क्या हुआ कि मुझे इतना तेज़ फीवर हो गया था, तो इसकी वजह से मैं सोती रही और बच्चे भी सोते रहे, मैं भी सोती रही और ये उठ के और ये चले गए हैं ड्यूटी। आज संडे है एंड संडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, बट मुझे बुलाया था बट मैं गई नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं है जाने का। सो ये तो चले गए हैं ड्यूटी एंड मुझे नहीं उठाया है, उठ के खुद ने चाय बना ली है और चाय बना के मुझे भी रख गए हैं, बोले हैं कि पी लेना। बस ऐसे जाने लगे ना तो बोलते रचना मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, चाय रखिए तो पी लेना। मैंने कहा ठीक है और दूध दूध ला के रख दिया है, अब गर्म करूँगी मैं उठी हूँ तो। और फिर मैंने चाय पी ली उठ के, बच्चों को भी दूध दे दिया है, रात का रखा हुआ था वही गर्म करके दे दिया। अब मैं भी देखती हूँ क्या करना है क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे सारे कपड़े पड़े हुए तो वो सब निकालूँगी धुलूँगी। लेकिन मैंने कहा उससे पहले चलो चलते हैं छत पे, थोड़ी देर घूम के आते हैं। धूप आज नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादा और हल्की फुल्की सी जो धूप रहती ना वो बदल वाली धूप, वो वाली धूप है, वैसी धूप नहीं है। सो गर्मी तो लग रही है बट कोई बात नहीं। सो चलिए तो अभी चलते हैं और करेंगे सारे घर के काम क्योंकि बहुत सारा तो काम पड़ा हुआ है। सो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगते हैं आप लोग कमेंट करके बताना और मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैं सोचती क्या हूँ और होता क्या है। मैं अभी सोच रही थी मैं ना डेली ब्लॉग डालूँगी डेली, बट कोई नहीं पता है मेरे से। कोई बात नहीं, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, जॉब करना एंड यूट्यूब चैनल संभालना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है ना, इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत टाइम लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करो, काम छोड़ के तो वीडियो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद में 1 घंटा तो एडिटिंग में लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा एडिटिंग में लगाओ, फिर इसके बाद में अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए मुझसे मैनेज नहीं हो पाता है। बट कोशिश करती रहती हूँ कि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। चलिए तो अभी तो हम चलते हैं और कर लेते हैं घर के काम। में बहुत सारा दिमाग खाती ना आप लोगों का, पका देती हूँ बातें कर करके, बट कोई नहीं, आप लोगों को सुननी पड़ेगी मेरी बातें क्योंकि नहीं सुनोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं, और अगर चलेगा नहीं तो सोचो फिर आप लोग। और मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से चले, ग्रो करे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूज ज़्यादा आने लगे, अभी तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग करो ना सपोर्ट मुझे, ठीक है। चलिए अभी तो हम चलते हैं और बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो उठा के रखते हैं, बर्तन वर्तन ना चाय आए के ऐसे ही पड़े हैं तो वो भी साफ़ करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं, बाय। सो गाइस, यहाँ पर संडे स्पेशल चल रही है क्लीनिंग, और क्योंकि संडे का दिन ही हमारे पास रहता है, जो भी हमें करना है घर का काम अपने लिए जो भी रहता है वही सब, तो यहाँ पर मैंने कहा आज मैं सुबह से ना थोड़ी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी, दवाई खा लेंगे तो, लेकिन ये घर का काम भी करना ज़रूरी था तो मैंने कहा सबसे पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और काफ़ी दिन से ऐसे ना कमेंट भी आते थे कि होम क्लीनिंग या किचन क्लीनिंग, फैन क्लीनिंग के वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा वैसे तो नहीं मैं बना पाती हूँ बट देखती हूँ आज अगर मैं कर रही हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर ही लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारे स्टैंड वगैरह के बर्तन वर्तन निकाल दिए हैं और जल्दी से मैं एकदम से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्या है ना जैसे कि जहाँ बर्तन रखे हैं जो भी सामान रखे वहाँ से उठा के साफ़ करके वहीं रखूँगी क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और टाइम के अलावा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर तबीयत ठीक होती तो मैं ज़रूर सब कुछ निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग करती, तो मेरे पास जितना टाइम उतना काम है ना। चलिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ म्यूजिक क्योंकि डीप क्लीनिंग का वीडियो है, सॉरी
क्लीनिंग का वीडियो ही है। तो इसमें क्या यहाँ पे बोलना है, क्या करना है, तो यहाँ पे बढ़िया से अच्छे से साफ सफाई करके बस वहीं का वहीं सामान रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग वीडियो देखिए। सो गाइज, फाइनली मेरी किचन एकदम से हो गई है क्लीन है। देखिए पूरा सारा सब कुछ एकदम क्लीन हो चुका है और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा मैं अपनी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, पर कोई देखेगा भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहता है ज़्यादा बड़े लंबे वीडियो में। सो वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया हो सो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए अब मैं आ गई नहा के और अब करती हूँ मैं पूजा करूँगी, फिर इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी अभी, क्योंकि कुछ भी नहीं बनाया है और मुझे खानी है दवाई। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हल्का फुल्का सा ना अंदर अंदर बुखार आ रहा हो, तो मुझे दवाई खानी है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।